ये है नथिंगा नया 2A+. नथिंगा 2A काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था एंड उन्होंने 4 महीने बाद उसके बड़े भैया को लॉन्च करा, बट क्यों करा है मेरे को समझ नहीं आया। इसकी ना अगर आप स्पेकशीट देखोगे उस पे चेंजेस देखोगे, भाई प्रोसेसर इंप्रूव कर दिया है, मेटल की बैक है, कैमरे में चेंजेस है, पर हमने जब यूज करा कुछ फर्क नहीं लगा। सबसे पहले आपको इसमें एक अलग सी बैक मिलती है। पहले नथिंग का जो फोन 2A था उसमें व्हाइट और अलग अलग कलर्स में आ रहा था, बट पूरा ही एक प्लास्टिक बिल्ड था। इस बार भी बाहर से प्लास्टिक है बट अंदर की तरफ एक मेटालिक आपको थोड़ा सा शाइन वाला दिखेगा। ये पूरा अंदर की तरफ मेटल का है एंड थोड़ा सा लुक चेंज करता है, बट इस मेटल को आप टच नहीं कर सकते। हाथ में पकड़ने में अभी भी सेम है। अगर आप आंख बंद करके देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा डिजाइन के अंदर। जो कैमरे के सेंसर है वो अभी भी थोड़े एलियन वाले दिखते हैं, साइड्स अभी भी प्लास्टिक की हैं। बस एक चीज है मेटल की जो आप छू पाओगे, वो है बटन। ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलेगा बटन मेटल के, पर मेरे को पर्सनली दबाने में जो पुराने प्लास्टिक बटन थे वो थोड़े से बेटर लग रहे थे। चारों तरफ सेम बेजल है, सेम आपको डिस्प्ले मिलता है 1080p 120Hz AMOLED। नथिंग का भाई देखो फोन 2A चला था एंड उन्होंने इसके 4 कलर अलग अलग बनाए थे। लॉन्च के टाइम पे 2 कलर थे, लॉन्च के बाद 2 कलर और एक्स्ट्रा एक एक करके लॉन्च करेगा। एक ही अलग सा रंग बिरंगा कलर था, इसमें अलग अलग एक्सेंट्स हैं, एक ब्लू कलर में लॉन्च करा। अब देखो कलर लॉन्च करे जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कलर के साथ प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा। बट इस वाले स्मार्टफोन के अपग्रेड का प्राइस 3000 रुपए। अब यहाँ पे थोड़ा तोलना पड़ेगा कि भाई 3000 रुपए में क्या क्या चीजें मिल रही। सबसे पहले डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, जो डिस्प्ले है वो भी आपको सेम मिलता है, वही 190 ग्राम वेट है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, IP54 है, वही सेम स्क्रीन गार्ड, पूरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सेम है। सेम आपको एंड्रॉइड 14 मिलता है, 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। पहले 45W चार्जिंग थी, अब 50W चार्जिंग है, बट चार्जर अभी भी साथ में नहीं मिल रहा है। बैक साइड वाले दोनों कैमरास भी सेम है, 50MP प्लस 50MP के। आप बोलोगे भाई नए बैक कवर के 3000 रुपए क्या? इससे पहले हमने नथिंग का भी जो CMF फोन आया था वो भी हमने ट्राई करा, उसमें भी जब हम एक्चुअल रिव्यू बना रहे थे तो हमको लगा था कि भाई 500-1000 रुपए के अराउंड के केसेस और कवर सारे आएंगे, सारी एक्सेसरी, पर उनका प्राइस 1500 रुपए था। एंड काफी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि भाई 200-300 रुपए के कवर आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, हम पूरा बैक कवर रिप्लेसमेंट क्यों लेने जाए 1500 रुपए में। तो ज्यादातर लोगों को काफी प्राइस ही लगा था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसमें भी वही वाला बैक कवर तो नहीं लगा हुआ। मजाक की बात साइड में, इसमें परफॉर्मेंस में चेंज करा गया। इसके अंदर मीडियाटेक का नया 7350 प्रो प्रोसेसर लगा रखा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में पिछली बार से 10-15% बेटर है। ये ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, हमने और किसी भी स्मार्टफोन में ट्राई नहीं करा है और ये पहली बार इस वाले स्मार्टफोन में हम ट्राई करने जा रहे हैं। नथिंग का जो फोन 2A है उसको हमारी टीम 2 महीने से यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं है, कहीं पे फ्रेम ड्रॉप नहीं, कहीं पे भी अटकता नहीं। और सेम चीज इसमें ही फील हुई, कहीं पे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है। अगर आप नॉर्मली यूज करो एकदम ही सेम एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं फील होगा। एटलीस्ट हमने जितना ट्राई करा हमको कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ, बट आपको लगेगा कि भाई गेम चलाने में डिफरेंस आएगा, ऐसा हमको भी लगा था, बट ऐसा नहीं है। गेम भी सेम सेटिंग पे चलती है, हमने BGMI चलाई जिस सेटिंग में नथिंग फोन 2A में चल रही है, उसी सेम सेटिंग पे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी चल रही है। हमने 30 मिनट्स TDM खेला, दोनों फोन्स में कंपेयर करा, HDR पे अल्ट्रा सेटिंग पे गेम चलती है, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन नहीं है, और भी जितने हमने गेम्स खेली वो भी सारी सेम सेटिंग पे चलती है। तो एसेंशियली परफॉर्मेंस ना पेपर पे अपग्रेड हुई है, उस परफॉर्मेंस का आपको फर्क नॉर्मल एवरीडे में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि गेम सारी सेम सेटिंग पे चल रही है और नॉर्मल जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो सेम सेटिंग पे चल रही है। अभी वाला स्मार्टफोन 2 कलर में आ रहा है, एक ब्लैक कलर और एक ग्रे कलर। एंड ऑफ कोर्स भाई कैमरा को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, कैमरा ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बैक साइड में सेम कैमरे का सेटअप है, फ्रंट में एक 50MP का कैमरा अपग्रेड करा गया। नथिंग फोन 2A में 32MP एंड फोटोज में भी हल्का सा अपग्रेड फील होता है। नथिंग फोन 2A और 2A प्लस की हमने दोनों से फोटोज खींची सेल्फी कैमरे में, बट डिटेल का अपग्रेड हमको कुछ खास फील नहीं हुआ, बहुत ही स्लाइट सा अपग्रेड है डिटेल्स में। अगर मैं सेल्फी में बात करूं 5% इंप्रूवमेंट में बोलूंगा, ज्यादा लोग स्पॉट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंस है फ्रंट वाले में। नथिंग फोन 2A में ऐसा था कि भाई कभी कभार डिसेंट फोटोज निकालता, कभी कभार काफी बिलो एवरेज फोटोज ये निकालता था, बट इस बार ये कंसिस्टेंटली एवरेज फोटोज आपको निकाल के देता है। बट ये सेम चीज नथिंग फोन 2A में एक सॉफ्टवेयर अपडेट से भी हो सकती है। एक चीज मैं नोटिस करी, पिछली बार से काफी सारे इश्यूज फिक्स करे गए, पिछली बार थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी रहता था, इस बार थोड़ा फिक्स कर दिया, थोड़ा सा नेचुरल कलर टोन्स आती है। लास्ट टाइम एक कलर वाला इशू था कि ब्लू रेडिश साई ग्रेडियंट आता था, वो पहले से काफी बेटर है। फ्रंट से 4K 30fps वीडियोस भी आप ले पाओगे, पहले 1080p 30fps तक ही ले सकते थे। स्किन टोन्स का कलर हल्का सा फिक्स करा गया एंड वो सेल्फी में आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे। बैक साइड में भी हल्का सा रेडिश रहता है, बट पिछली बार से काफी ज्यादा कम है। पिछली बार गेम मोड नहीं था, इस बार एक गेम मोड भी एड करा गया। ये सारे चेंजेस हैं
हैं, छोटे मोटे फिक्सेस हैं, जो मेरे हिसाब से सारे फिक्सेस एक सॉफ्टवेयर अपडेट से नथिंग फोन 2A में ऐड करे जा सकते थे। अब मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, नथिंग का जो फोन 2A है ये 23,999 मतलब 24,000 के अराउंड ही बिक रहा है। 24,000 के अराउंड हमने जब रिव्यू करता हमने बताया था भाई परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरा बिलो एवरेज या एवरेज आप बोल सकते हो, और हमने सॉफ्टवेयर की काफी तारीफ करी थी, ब्लोटवेयर नहीं है वो भी काफी अच्छा है, गेम मोड नहीं है, कुछ बेसिक चीजें मिसिंग है, बाकी सारी चीजों में छोटे छोटे अपग्रेड है जो आप फील नहीं कर पाओगे, बट एक चीज में बहुत बड़ा अपग्रेड है वो है प्राइस में। जब 24,000 से प्राइस 28,000 तक पहुंच जाता है तो अब एक डिफरेंट सेगमेंट का स्मार्टफोन बन जाता है, और जो कैमरा 24,000 पे एवरेज था अब वो चाहे हल्का सा इंप्रूव भी कराओ बट अब इस सेगमेंट पे ये एक बिलो एवरेज कैमरा है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसे कैमरा फोन्स मिल जाते हैं जो आपको भाई 50-60 हज़ार रुपए वाले स्मार्टफोन वाली वाइब दे देंगे फोटोज के अंदर, एंड इस प्राइस पॉइंट पे इससे काफी बेटर प्रोसेसर्स भी मिल रहे हैं मार्केट में। मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था भाई इस वाले स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि फोन 2A में बस एक ही चीज थोड़ा सा खटकती थी कि भाई इसका कैमरा इतना तगड़ा नहीं, और हमको पूछने लगा था भाई इस बार कैमरा अपग्रेड करा जाएगा अगर प्राइस बढ़ाया जा रहा है। इस वाले फोन में काफी सारे ऐसे अपग्रेड्स हैं जिनका मतलब ऐसा कुछ खास फायदा नहीं है, जैसे अंदर की तरफ मेटालिक ये लगा रखा है, ठीक है कूल दिखता है, बट ये सेम मेटल अगर साइड में लगाया जाता और मेटालिक साइड करी जाती और फ्रंट सेल्फी का कैमरा अपग्रेड करने की जो बैक जो प्राइमरी कैमराज है उनको इम्प्रूव करा जाता तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पैकेज ये बन के निकलता। बट अभी इसमें पेपर पे काफी सारे चेंजेस हैं, बट हाथ में जो आप यूज करोगे आपको एकदम सेम टू सेम फोन फील होगा, जैसा आपको लगेगा बस एक नया वेरिएंट अलग कलर के साथ निकाल दिया जिसके 3,000 रुपए चार्ज करे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई मार्केट में फोन लेने जा रहा है तो 2A डेफिनेटली कंसिडर कर सकता है, बट 28,000 में 2A प्लस एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आप बताओ आपको कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा अपग्रेड। मेरे हिसाब से भाई नेक्स्ट फोन में नथिंग कैमरा नेक्स्ट लेवल कर दे तो काफी ज्यादा मजा है, हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं सारे स्मार्टफोन के लिए, और आई होप आप भी हैं हमारे वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।